बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू तलीम दोस्त। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स, चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर का। और इसको स्टडी करना इतना खासा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके एनालिसिस जो हम बना सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें जो इसके बीच में हमें कंसर्न करनी है, दो लॉज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द अदर वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बेसिस पे चलेगा वो चलेगा बर्नौलीज इक्वेशन के, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिहाज से होगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ आएगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिहाज से। पहले टॉपिक में जो इंट्रोडक्शन में उसने बात किया वो इन दोनों के लिहाज से बात किया, मतलब कि अगर आपसे ईकैट में एमसीक्यू के पर्पज से पूछा जाए तो ये दो पूछे से वेरिएट कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अगर आप रिलेट करें तो वो किसके साथ कौन सा लॉ उस पर एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो विस्कस ड्रैग एंड स्ट्रोक्स लॉ है। एक्चुअली विस्कोसिटी को हमने पढ़ना है। विस्कोसिटी क्या? विस्कोसिटी इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ये फोर्स है विच इज अप्लाइड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स, मतलब कि हमारे पास एक लेयर है, ये फ्लूइड है, उसकी ये लेयर्स के बीच में ये जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी, इसके साथ ये जो फोर्स अप्लाई हम कर रहे होंगे जो हो रही होगी नेचुरली, इस फोर्स को विस्कोसिटी कहते हैं। इसका डेफिनेटली यूनिट भी आपसे पूछा जाए तो विस्कोसिटी का यूनिट आप किसी यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं प्रॉपरली। ओके, अब इसके पास हमें क्या पता चला है, इसके बाद दूसरी चीज जो हमें पता चलेगी वो है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या है? ड्रैग का बेसिकली मीनिंग इंग्लिश डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो वो खींचने का मतलब है इसका, मतलब कि ड्रैग फोर्स अगर सिंपली हम फिजिक्स की जुबान में देखें तो फिजिक्स की जुबान में हमारे लिए ड्रैग फोर्स ये होगी कि आपके पास एक फ्लूड है, अगर आप उस फ्लूड में मूवमेंट करेंगे, मतलब कि आप मूवमेंट कर रहे हैं उस फ्लूड में, तो आपके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स आएगी, रिटार्डिंग फोर्स विच अपोजेज यू, विच अपोजेज द मोशन ऑफ योर्स। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स called a drag force. This would be the drag force. This drag force increases as the speed of the object increases. This is the important point which you have to notice. ये important point है, जैसे जैसे आपकी speed increase होती जाएगी वैसे वैसे वो उस object के ऊपर, उस fluid के ऊपर, वो जो आप जो भी चीज move कर आ रहे हैं उस पर force भी बढ़ती जाएगी। इसकी example आप इसमें ले सकते हैं कि आप गाड़ी में अगर move कर रहे हैं तो अपना अगर हाथ बाहर निकालते हैं उस गाड़ी में से तो आपके हाथ पे एक किस्म की एक फोर्स आपके हाथ पे अप्लाई हो रही है, आपका जो एयर मीडियम है ये फ्लूड दिया और तो आपका जो हाथ पे फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रही होगी ये फोर्स जो होगी ये किसकी होगी? रिटार्डिंग फोर्स होगी, ड्रैग फोर्स होगी। अच्छा, इसके बाद रिटार्डिंग फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू 6πRv, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें याद रखना है। ये एमसीक्यूज पर्पसेस में हमसे पूछा जा सकता है, वो डिफरेंट वैल्यूज चेंज कर सकता है, मतलब कि अगर आपके रेडियस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस इंक्रीज कर दे, उसका रेडियस इंक्रीज करके आपसे पूछे कि फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर आपकी वेलोसिटी चेंज करे, फिर के वेलोसिटी से आप फोर्स में आपस में इनका क्या रिलेशन है, जाहिर बात है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पे आपको मलूजे खत रखना पड़ेगा, और वो पॉइंट ये है कि जो आपकी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है वी के साथ, ये तो बात आपकी एप्लीकेबल है, लेकिन एट हाई स्पीड्स द फोर्स इज नो लॉन्गर सिंपली प्रोपोर्शनल। अगर आप हायर स्पीड्स पे चलते जाएंगे, मतलब कि वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग मीन बाय मीन होती जाएगी, तो उस लिहाज से आपकी फोर्स जो है वो एज इट इज उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी, बल्कि किसी ना किसी तरीके से वो वेरिएट करने लग जाएगी, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइड इन्फॉर्मेशन में आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, दो चीजें कौन सी हैं? एक आपको एयर की विस्कोसिटी याद रखनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर्पस में पूछी जा सकती है, और एक आपसे ग्लिसरीन की, ये दो इंपॉर्टेंट जो हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं एंट्री टेस्ट में, तो ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, 0.019 एंड द अदर वन इज 6.29। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बराइज। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल मीन्स एंडिंग, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, सो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? द काइंड ऑफ वेलोसिटी, उस वेलोसिटी पे आप मूव करें जो एंडिंग होती जा रही है, मतलब कि आप इसको इस तरह ले सकते हैं जो यहाँ पे उसने अपवर्ड ड्रैग फोर्स ऑन इट इंक्रीज है, स्पीड ऑफ द ड्रॉपलेट इंक्रीज है, आप इस तरह लें कि एक ड्रॉपलेट है जो कि एयर में सस्पेंडेड है, फोग ड्रॉपलेट आप उसे ले लें, वो आपका एयर में मूव करता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता एक स्पीड के साथ नीचे आ रहा है वेलोसिटी के साथ। ओके, अब इसके साथ आप इसको किस तरह रिलेट करेंगे? एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी नेट फोर्स जो है
जब आपकी नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स है वो किसके बराबर है, वेट माइनस कौन सी ड्रैग फोर्स, जो कि ड्रैग फोर्स उस पर लग रही होगी। ओके, वेट माइनस ड्रैग फोर्स। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पे, जब वो वेलोसिटी जब उसके वेट के बराबर आ जाए, मतलब कि वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम जी। अब ये वेलोसिटी आपकी, ये जो पॉइंट है, ये टर्मिनल वेलोसिटी आपकी वेट के बराबर आ जाए, तो सिंपली फिर आप क्या करेंगे, इस सिंपली को आप इसको डिफरेंटली सिर्फ एम जी की वैल्यू पुट करें इसके बीच में, और आपको टर्मिनल वेलोसिटी की वो आपको पता ही है, 6 pi n और स्टोक्स लॉ, वी नो स्टोक्स लॉ, तो आप उसकी ये, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करें इसको, तो आपके पास अगर आप इसमें क्या करेंगे, आप पहले वी टी की यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें, ये वी टी है, यहाँ से वी टी की आप वैल्यू निकाल लें, एम जी डिवाइडेड बाय 6 pi n r, ये आपके पास आ गई। अब सिंपली अब आपको पता है कि वॉल्यूम का, सिंपली वॉल्यूम का फार्मूला पुट करें, 4/3 pi r³। लास्टली जो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास VT इज इक्वल टू 2gr² ρ/9। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको MCQ पर्पसेस के लिए रिमेम्बराइज भी करनी पड़ेंगी, आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे जो कि वहां पे पेयर हो सकते हैं। अच्छा, अब यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अगर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कर दीजिए, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज करके आपको मून पे लेके जाया जा सकता है, आपको अर्थ की वैल्यू चेंज करके दी जा सकती है, इसके बीच में वेरिएशन, डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। अब डायरेक्टली यहां पे आपको एक आपको सिंपली ये बात पता होनी चाहिए दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, सिंपली डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब बजाते मैस तो इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन डेंसिटी रिलेट कर रही है, वो आपके साथ मैस का रिलेशन पूछ सकता है, आपके साथ ये कह सकता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का आप ये बताएं कि मैस के साथ क्या रिलेशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, और मैस किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के साथ। तो लिहाजा इन द एंड वी कैन से दैट कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ, मैस के साथ। अब इस तरह की चीजें वेरिएट करके आपसे पूछ सकता है, मतलब कि एमसीक्यूज में आपको मैस की वैल्यू चेंज करके दे दी, इनडायरेक्टली आपको, मतलब कि आपको फार्मूले में आपने पढ़ा होगा एज सच, लेकिन आपको पता नहीं आ रहा होगा उस कंफ्यूजन टाइम पे, आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बराइज, आपको याद रखनी पड़ेंगी इन द डायरेक्ट, आपके वो ये चीजें जो है आपके बैकएंड के साथ चलती रहनी चाहिए। आपके साथ वो रेडियस की वैल्यू चेंज कर सकता है, रिमेंबर डैट यहाँ पे रेडियस आर का स्क्वायर है, अब वो आर की वैल्यू अगर 2 times कर सकता है, तो ये 2 का स्क्वायर होगा 4 times इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब ये वैल्यूज इंक्रीज हो जाएगी, अब इसके साथ अगर वो बिल फर्ज आपकी वैल्यू जो है रेडियस की कम कर देता है, तो आप स्क्वायर लेंगे इसका डेफिनेटली, तो ये 1/4 हो जाएगी किसकी, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू। तो दीज आर द पॉइंट्स विच मेक क्रिएट कंफ्लिक्ट फॉर यू, और ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपको वहां पे अपेयर होंगे, और जिनका आपके लिए अटेम्प्ट करना मुश्किल, खासा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी इजीली। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज फ्लूइड फ्लो। अच्छा, अब हम इसमें डील करेंगे फ्लूइड फ्लो के साथ भी, कि फ्लूइड फ्लो जो है, अब दो तरह के फ्लोज जो है ना आपके साथ इस टॉपिक के साथ रिलेट करते रहेंगे, दो तरह के फ्लोज हैं, एक आपका फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, और एक आपका फ्लो होगा इररेगुलर, जिसे आप टर्बुलेंट भी कह सकते हैं। तो दो फ्लोज के साथ आप रिलेट करेंगे, द वन इज स्ट्रीमलाइन एंड द अदर इज टर्बुलेंट। ओके, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। अब स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर जो डिफाइन इसका कहता है, द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर, अनदर वर्ड फॉर इट इज लैमिनर। द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर व्हेन एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल्स विच पास दैट पॉइंट्स अर्लियर। ये लिटिल बिट थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है, लेकिन इसको मैं आपको इजीली करके बताता हूं। कहना के चाह रहा, स्ट्रीमलाइन फ्लो आपका किस तरह का फ्लो होगा, कि ये उस तरह का फ्लो है जिसके बीच में आपके पार्टिकल्स एग्जैक्टली उसी रस्ते की पैरवी करें, उसी रस्ते पर फॉलो करें जिस रस्ते की पैरवी के उसके पहले पार्टिकल्स कर चुके हैं। मतलब कि अगर ये एक बिलफर्ज यू मे ज्यूम इट एज अ कैनाल,
इस कैनाल से बिलफर्ज यू हैव एग्जांपल ऑफ बॉल, एक बॉल मूव कर रहा है इस यहाँ पे इस पैनल में, इस चैनल में मूव कर रहा है, एक अगर बॉल मूव करता हुआ जा रहा है तो एग्जैक्टली इससे पीछे एक और बॉल आए और वो भी एग्जैक्टली इसी स्ट्रीम के साथ, इसी चैनल के साथ, इसी प्रोपोगेशन के साथ मूव कर जाए। तो ये जो इस तरह का फ्लो आपके साथ बनेगा ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, दिस विल बी योर स्ट्रीम लाइन फ्लो। एंड द अदर वन फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो विच इज इरेगुलर एंड अनस्टेडी, मतलब कि इरेगुलर फ्लो होगा आपका, इसके साथ कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। जैसे आपके आप इसकी एग्जांपल जनरल लाइफ में किस तरह ले सकते हैं कि आपकी आबशार वगैरह होगी जिसमें आपका पानी एकदम क्विकली फ्लो आउट कर देता है नीचे को, जिसमें आपका अनस्टेडी फ्लो आ गया, इरेगुलर आ गया, तो इसको इस चीज को आप क्रिएट करेंगे टर्बुलेंट फ्लो के साथ। तो सिंपली वी गोना डिफाइन इट एज द इरेगुलर ऑन अनस्टेडी फ्लो, द फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो। नाउ अब तीन चीजें जो अब यहां पे बताएगा आपको आइडियल फ्लूड के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पर्पस के लिए, आइडियल फ्लूड के लिए जो आपको तीन बेसिक चीजें बताएगा ये। सबसे पहली चीज बताएगा कि आपका फ्लूड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, इट मीन्स डेट देर इज नो काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स। मतलब कि आपके पास एक फ्लूड है तो इस फ्लूड के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं पैदा होनी चाहिए, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि वो जो आपके पास फ्लूड है, वो जो आपके पास फ्लूड है वो आइडियल किस कंडीशन में होगा, जब वो नॉन विस्कस होगा, जब वो नॉन विस्कस होगा। द अदर वन पॉइंट इज व्हेन द फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल, जब आपका फ्लूड क्या हो, इनकम्प्रेसिबल। What does it mean? Incompressible means, it is important point, when density is constant, when density is constant. अब आपसे क्वेश्चन पेयर हो गया वहां पे एमसीक्यू में, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि टेल अस कि हमारे पास एक फ्लूड है और उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, बाकी पैरामीटर्स आपको डिफाइन नहीं किए जाते और आपसे पूछा जाता है कि क्या वो आइडियल फ्लूड होगा या आइडियल फ्लूड नहीं होगा। सो यू हैव टू राइट चूज आउट द राइट ऑप्शन कि वो आइडियल फ्लूड है, व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट इट इज गोइंग टू बी इनकम्प्रेसिबल, एंड इट इज गोइंग टू बी इनकम्प्रेसिबल। द अदर टू पैरामीटर्स, अभी दो जो पैरामीटर्स हैं वो आपके साथ कोई डिफाइन नहीं किए गए, तो इस लिहाज से अगर इतनी चीज पूछी जाए तो आप इसके साथ राइट ऑप्शन के साथ वेरीफाई करेंगे। Now the third one is the fluid motion is steady. ये वही है आपके पास fluid motion जो है, जो आपके पास fluid motion आ रहा है वो steady होना चाहिए, it means that वो streamline होना चाहिए, वो streamline होना चाहिए, आपका जो fluid है वो streamline होना चाहिए। तो ये तीन points हमारे पास जो है किस चीज के ideal fluid होने के, सबसे पहला हमारे पास point है वो non viscous हो, सबसे पहला point हमारे पास non viscous, the other one is incompressible, वो incompressible होना चाहिए, and the third one is fluid motion is steady, fluid का जो motion है वो steady रहे, और second जो option है incompressible के साथ वो है density is constant, उसकी density जो है वो constant रहनी चाहिए। next topic जिसके साथ हम चल रहे हैं वो है equation of continuity. ओके, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में अब ये सिंपली इसकी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ रिलेट करेगा आपके साथ, मतलब कि आपके पास एक पाइप है ये, अब इस पाइप के साथ आपको रिलेट करने की कोशिश करेगा वो, यहाँ पे आपकी ए वन है, इसका एरिया ए वन है, इसका एरिया ए टू है, इसके बाद इसका जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो डेल्टा एक्स वन, और यहाँ से यहाँ तक जो इसने क्रिएट किया वो डेल्टा एक्स टू है, उसके बाद आपकी जो यहां से वेलोसिटी है ये जो इनर वेलोसिटी वी वन, और ये यहां से जो आउटर वेलोसिटी है ये वी टू है। ओके, अब ये आपके साथ सिंपली जो यहां पे बताना चाह रहा है कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस तरह रिलेट करती है आपके सिंपल जो फ्लूड पाइप्स हैं उनके साथ किस तरह रिलेट करती है। अब ये क्या है, कंसीडर अ फ्लूड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज, द पार्टिकल इज फ्लूड मूव अलोंग द स्ट्रीम लाइन स्टेडी एज शोन इन द फिगर, जिस तरह के फिगर के बीच में दिखाया गया। एट द स्मॉल टाइम के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो ये क्या कहता है, फ्लूड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा एक्स वन, आपका ये जो यहाँ पे फ्लूड होगा वो डेल्टा एक्स वन के साथ मूव करेगा, उसका जो एरिया वेलोसिटी जो उसकी होगी वो वी वन होगी, और जो यहां से स्ट्रेट आउट करेगा वो वी टू वेलोसिटी के साथ करेगा, और जहां पे इसका डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स टू है। अच्छा, अब हम इसके साथ आपको सिंपली आपको पता ही है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पे,
डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ओके। और वॉल्यूम को आप पता ही, आप इस तरह लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। यू कैन राइट वॉल्यूम एज एरिया इंटू डिस्टेंस, ओके। इट मीन्स डेट वी नो द वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब, मीटर क्यूबिक तो ये हमारे सर डिफाइंड हो रहे हैं। तो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि मास को यहां रहने दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके। और मास इज इक्वल टू डेंसिटी, इसमें हमने एरिया और डेल्टा एक्स वो जो हमने पुट किया है उसकी वैल्यूज पुट कर दी, जो कि यहाँ पे आपकी बुक में सिंपली डिफाइंड भी है। इसके बाद उसने क्या किया, आपको ये प्रॉपर रिलेशन आपको पता होगा, v इज इक्वल टू एस बाय टी और डी बाय टी। तो उसने डेल्टा एक्स को d प्रेफर किया, सो v इंटू टी इज इक्वल टू d। तो उसने सिंपल इसका रिलेशन लिख दिया इक्वल टू ए वन इंटू वी वन इंटू टी वन। ये सिंपल आपके साथ, ये मैस वन के लिए, मतलब कि वो मैस जो कि यहां से इस पाइप से यहां पे इनलेट होते वक्त जो उसका आ रहा है। एंड द अदर वन इज एम टू, दूसरा एम टू है, उसकी भी वैल्यूज आप सिंपली इस तरह डेंसिटी फॉर मैन ए वन वी वन एंड टी। सो नेक्स्ट वन इज रो टू इंटू ए टू इंटू वी टू इंटू टी, ओके। अब द फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूड इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूड स्टेडी है, और वही इसकी तीन प्रॉपर्टीज जो कि आइडियल फ्लूड के लिए होनी चाहिए, वही तीन प्रॉपर्टीज इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही हैं, ये हमें पता है। एट द बैक एंड वी नो डैट, मैंने आपको शुरू में टॉपिक के बताया था कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के लिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होगा। तो वो जो पॉइंट है वो अब यहाँ पे आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक आपका मास जो एम वन पहले था वही एम टू बराबर होगा, लिहाजा यू पुट इट द वैल्यूज डेल्टा एन टू। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सिंपली जो टी दोनों तरफ से कट जाएगा और आपके पास रह जाएगा रो ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। एज वी नो डैट इन द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको पहले भी बताया गया था कि फ्लूड जो है इनकम्प्रेसिबल है, और फ्लूड इनकम्प्रेसिबल है तो इट मीन्स डैट उसकी जो डेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट है। हमने आपको पहले बताया इस पॉइंट के ऊपर कि अगर फ्लूड इनकम्प्रेसिबल है, अगर वो आइडियल फ्लूड है, आइडियल फ्लूड है तो उसका मतलब वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल है तो हमें पता चल गया कि फ्लूड की डेंसिटी कांस्टेंट है। व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट तो हम इन दोनों को तो वन इज इन दोनों को लिखा जा सकता है। सो हमने इन दोनों इसको दोनों तरफ से हमने कट आउट कर दिया, सो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ओके। हमने इसको इस तरह सिंपल लिख दिया। सो अब ये हमारे पास फाइनल फाइनल एनालिसिस आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। इट मींस डेट इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एरिया का और वेलोसिटी का, वो शुरू में इनलेट की पाइप में और आउटलेट में दोनों जगह इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। नोट इस तरह भी हो सकता है कि वैल्यूज चेंज हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए टू, इसकी वैल्यू फाइव हो जाए, और यहाँ पे एरिया की वैल्यू फाइव हो जाए, इसकी वैल्यू टू हो जाए, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है विल रिमेन सेम, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। इसको आप सिंपली सिंपली फ्लो पर सेकेंड के नाम से भी जानते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, इसको आप फ्लो पर सेकेंड के नाम से भी जान सकते हैं। और जो सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड नाम जो है फ्लो रेट, जहां पे आपका टाइम इन्वॉल्व होगा याद रखिएगा वहां पे रेट की बात लाजमी होगी, सो आप इसको फ्लो रेट के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम फ्लो रेट होगा, पहला नाम इसका फ्लो पर सेकंड एंड द अदर वन इज फ्लो रेट। तो ये सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। इसके साथ अगर वो आपके साथ रिलेट करें, वो आपके साथ एरिया की वैल्यूज, अब यहाँ पे अगर आपको एरिया की वैल्यूज भी चेंजिंग कर सकता है वो, बिलफर्ज आपको वहां पे सर्कल की किसी डोप की दे दे और पाई आर स्क्वायर का फार्मूला वहां पे एप्लीकेबल हो रहा हो, और आप एरिया सिर्फ एरिया को जानते हैं लेकिन बैक एंड पे पाई आर स्क्वायर भी एप्लीकेबल हो रहा है उसके ऊपर, उसमें रेडियस की वैल्यू चेंज कर दे, रेडियस टू टाइम्स कर दे, और वो फिर के वेलोसिटी में कितना फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल इस तरह दे सकता हूँ, मीन्स डेट ए वन v1 is equal to a2 v2, we know that in area of circle is pi r square, वो आपको एक droplet दे दे कि वो droplet इस speed से suspended हो गया किसी जगह, उसका हमने radius change कर दिया, बजाहिर तो आपको नजर ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे radius कहीं apply हो रहा है, लेकिन back end पे वो radius apply हो रहा है, sorry, तो आप उसके simply
वैल्यू पुट करेंगे रेडियस की, जो चेंजिंग हो रही होगी वेरिएशन के साथ आ रही होगी, उसी तरह वेलोसिटी पे रेडियस भी इफेक्ट कर रहा होगा। आपसे ये भी सिंपली पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि आपका ये जो रेडियस है, रेडियस के साथ एरिया का क्या ताल्लुक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है आपके एंटी टेस्ट के बीच में, कि आप ये बताएं कि एरिया के साथ वेलोसिटी का क्या ताल्लुक है, वेलोसिटी का रेडियस के साथ क्या ताल्लुक है, या वेलोसिटी का एरिया के साथ क्या ताल्लुक है। इस तरह आपके साथ वेरिएट करके क्वेश्चनिंग की जा सकती है, क्योंकि आपको उसने बुक में से जो पूछना है आपके एंटी टेस्ट के लिए, वो आपको सिंपली ये चीज नहीं पूछनी जो आपके ऊपर बुक के ऊपर डिफाइन है, वो उसने आपको अंदर से पॉइंट्स पूछने हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है। तो कॉन्सेप्ट आपको इसी तरह अपने स्ट्रांग पढ़ने पड़ेंगे कि बैक एंड पे जो चीजें उसके ऊपर अप्लाई हो रही होंगी उसकी आपको प्रैक्टिस आउट करनी पड़ेगी। और उसकी प्रैक्टिस इस तरह हो सकती है कि आप उतने रिलेशंस निकालें जितने आप रिलेशंस बना सकते हैं उसके साथ, इसको खुद गौर फिक्र करेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर कोई आप देखें, ये भी देख सकते हैं v इज इक्वल टू d बाई टी, ये भी अप्लाई होता है। अब वो आपसे पूछ सकता है डिस्टेंस का बताएं जी क्या ताल्लुक है एरिया के साथ। आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर हम टाइम की वैल्यू हाफ कर दें तो वेलोसिटी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग करेगा आपके साथ, इस तरह की क्वेश्चनिंग से ये आपको वहां पे पजल आउट करेगा। एंड रिमेंबर डैट आपके पास वहां पे 0.90 सेकंड है सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो इट इज वेरी लेस टाइम। इतने टाइम में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी साइकी, आपको किस तरह वहां पे पेयर होना है, आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग होने चाहिए, इस बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके जी, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बर्नौली इक्वेशन। हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन में मैंने आपको शुरू में एक बात बताई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां पे अप्लाई होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। और बर्नौली इक्वेशन में याद रखिएगा आपके पास यहां पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी। और ये बात याद रखें कि एनर्जी एंड वर्क आर इक्वल इन यूनिट्स, बोथ हैव सेम यूनिट्स जॉब्स, इन दोनों के सेम यूनिट्स हैं, वर्क एंड एनर्जी सेम यूनिट्स। सो अब हम लिख सकते हैं वर्क का सिंपली हमें फार्मूला पता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। W इज इक्वल टू एफ डी, इट मीन्स डेंट एफ डी को अगर आप यहां पर रिलेट करें, यहां पर जिसने आपको सिंपली एक एग्जाम्पल दी हुई है उसके साथ अगर आप रिलेट करके देखें यहाँ पे, तो वहां पे आपको डेल्टा एक्स, उसने एक्स की भी वैल्यूज दी होंगी, यहाँ पे आपको एक्स इसके साथ रिलेट करना है, आपने इसका इसका वो प्रेशर भी देखना है किस प्रेशर से अप्लाई हो रही है, उसकी वेलोसिटी भी आपके पास आएगी, जो वेलोसिटी है यहाँ से आउटलेट के लिए जो वेलोसिटी होगी इसके साथ आपको। अच्छा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, तो हम यहाँ पे डेल्टा एक्स वन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में किया वी इज इक्वल टू डी बाई टी, उसी तरह हम इसको मॉडिफाई करके वर्क वन, वो जो एट वन पॉइंट, उस पॉइंट में जिसमें से आपका इनलेट हो रहा है उसमें से हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे वर्क वन के लिए एफ वन डॉट डेल्टा एक्स वन। और इसकी सिंपली वैल्यू अगर आएगी तो क्या आएगी, पी वन ए वन डॉट डेल्टा एक्स। अब हमें प्रेशर के फार्मूले से पता होना चाहिए, ये बैक एंड पे चीजें अप्लाई हो रही हैं, पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए होता है, और अगर एफ की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो यहां से एफ की वैल्यू आपके लिए क्या आएगी, पी इंटू ए इज इक्वल टू एफ। वो सिंपली आपने उसके बीच में इसकी इस जगह पे आपने उसकी वैल्यूज अप्लाई करती है। ओके, अब डब्ल्यू वन जो इनलेट हो रहा है आपके पास वहां पे वर्क वन, उसकी वैल्यूज आपके पास आ रही है पी वन ए वन इंटू डेल्टा एक्स वन। ओके, अच्छा, अब वही वर्क जो आपके लोअर एंड पे हो रहा है, जो आपका वर्क अपर एंड पे हो रहा है वही वर्क आपके साथ लोअर एंड पे भी हो रहा है। सो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू पी टू ए टू इंटू डेल्टा एक्स टू। ओके, अच्छा, यहां पे अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी पड़ेगी, यहां पे जो साइन है वो नेगेटिव का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट जो हमारे पास अब एक पॉइंट आएगा यहां पे माइनस साइन क्यों है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट वर्क डब्ल्यू टू इज टेकन टू बी नेगेटिव एज द वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स, रिमेंबर दिस पॉइंट। अब यहां पे जो आपका वर्क हो रहा है ये उस फ्लूड फोर्स, क्योंकि फ्लूड तो जो फोर्स लगा रहा है उस आउटलेट से बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो आपका वहां पे वर्क अप्लाई हो रहा है वो अगेंस्ट डेट फोर्स हो रहा है। तो जब आपका अगेंस्ट डेट कोई भी आपकी चीज जब आपके उसके अगेंस्ट काम करोगे तो आपका जो साइन है वो माइनस का साइन इसके साथ आएगा।
रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता क्वेश्चनिंग के बीच में, वहां से कि अगर आप ये बताएं कि अगर आपका बर्नौलीज इक्वेशन के बीच में लोअर एंड जो है उस पे आपके साथ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, या आपसे सिंपली उसकी इक्वेशन पूछी जा सकती है, या सिंपली उसको रिलेट करके पूछे उसको वैल्यू दी जा सकती है। यू मे बी यू आर गिवन विद द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड एरिया, और आपको डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो, या आपको तीनों की वैल्यूज दे देगी और आपको वर्क की वैल्यू पूछे, और वर्क की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव निकाल के बैठे हो लोअर एंड पे, सो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ये आपकी चीज जो है गलत हो जाएगी। तो आपको इस पॉइंट पे प्रॉपर फोकस करना है कि इस पॉइंट पे आपके साथ माइनस साइन लोअर एंड के लिए। ये इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आपके अपर एंड और लोअर एंड जो है इन दोनों को किस तरह वेरिएट किया जा सकता है। तो अपर और लोअर सिर्फ इन दोनों के फर्क से ही आपका एमसीक्यू सही और गलत हो सकता है। तो इन चीजों को आपने जब भी कोई वहां पे स्टेटमेंट आएगी आपने प्रॉपर तरीके से उसको टैकल करना है, हैंडल करना है, मैनेज करना है, और फिर उसको जाके अटेम्प्ट करना है। आई नो वी हैव वेरी लेस टाइम टू अटेम्प्ट, 0.90 seconds टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट आपको ध्यान से प्रॉपर तरीके से एक एनालाइजिंग के साथ उसके लिए जाना है। एंड उम्मीद करते हैं अगर आप इस तरह करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका बेहतर तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है। ओके, अगर आप इन दोनों की वेलोसिटीज जो है अपर और लोअर एंड्स की रिस्पेक्टिवली अगर फाइंड आउट करें तो ये आपके पास अगर वही सिंपली अगर आप डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी फाइंड कर दें तो आप सिंपली उसकी वैल्यूज पुट करें, W1 इज इक्वल टू P1A1 इंटू V1 इंटू T1 एंड सेम एज फॉर वर्क टू, और वर्क टू भी आपके इसी के बराबर होगा डेफिनेटली, A2V2 रो इंटू टी। ओके, अब आपको हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पहले पढ़ के हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A1V1 जो है वो A2V2 के बराबर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास इसकी प्रॉपर नॉलेज है तो हम इसको टोटल जान चुके हैं। A1V1 इज इक्वल टू A2V2, अगर हम सिंपली इसके साथ टाइम को मल्टीप्लाई करवा दें, A1V1 इंटू टी इज इक्वल टू A2V2 इंटू टी, तो ये भी आपके पास जो आएगा ये फ्लूड अंडर कंसिडरेशन है, ये आपके पास जो है ये भी एक जो वैल्यू है आपके पास जो आएगी ये एक कॉन्स्टेंट होगी। अच्छा, सिंपली अब आप इसको लिख सकते हैं कि ये v के बराबर है, क्यों, क्योंकि आपकी यहां पे इसकी इक्वल प्रॉपर इसकी जो आ गई आपके पास टाइमिंग्स आ गई हैं, इसको आपने रिलेट कर लिया तो ये वॉल्यूम के बराबर आपके पास आ गया। ओके, या अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाह रहे हैं कि आपके ये वॉल्यूम के बराबर किस तरह है, सो आई वांट टू डिफाइन इट एज A1 meter square, the unit of velocity is meter per second, and the first second is second. This second going to be subtracted by the second, and the whole one is equal to meter cube. And we know the meter cube is the units of volume. Okay. इससे हमें पता चल गया। तो अगर हम simply वो शुरू वाले में उसकी values put कर दें, so W is equal to P1 minus P2. इंटू वी, एंड वी नो डेट वी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम अगर यहां पर चला जाएगा तो सिंपली वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस बाय डेंसिटी, तो यहां पर आप उसके मैस बाय डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब सिंपली अगर आप चेंज इन पार्ट ऑफ दिस वर्क इज यूटिलाइज बाय द फ्लूड इज चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पार्ट इज यूज इन द चेंजिंग इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर द टू बेसिक मेन पॉइंट्स, ये दो बेसिक मेन पॉइंट्स है। अब इसके कुछ पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी कंजप्शन के लिए इस्तेमाल होगा, और कुछ पार्ट जो है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कंजप्शन के लिए इस्तेमाल होगा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² minus ½ mv² एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2 minus mgh1। ओके, वेयर H1 एंड H2 आर द हाइट्स एंड अपर एंड लोअर एंड रिस्पेक्टिवली, जो कि H1 और H2 की अपर और लोअर की हाइट्स ऑन रिस्पेक्टिवली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ दिस वॉल्यूम वी गेट एट लास्ट, विद जो हमें इसकी वैल्यूज मिलेंगी अगर हम इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉल्यूम पे अगर डिफाइन कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो उसको समफाई करके आपको लास्ट पे जो आंसर मिलेगा, बर्नौलीज इक्वेशन का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा प्रेशर इक्वल टू ½ ρv²
प्लस रो जी एच एंड विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. रिमेंबर दिस पॉइंट, ये कॉन्स्टेंट के बराबर होगा हमेशा. मतलब कि इसका ये जो सम आउट हो गया आपका टोटल जो एक आंसर आ रहा है ये हमेशा आपके कॉन्स्टेंट के बराबर रहेगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी बर्नौलियस इक्वेशन जो है ये हमेशा एक कॉन्स्टेंट के बराबर आएगी. रिमेंबर दिस पॉइंट, हमेशा एक कॉन्स्टेंट के बराबर आएगी. प्रेशर की वैल्यू वेरी होगी, आपकी आपकी हाइट की वैल्यूज चेंज होंगी, आपकी वॉल्यूम्स की प्रेशर वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन सिंपली इसका जो आंसर है हमेशा आपके पास कॉन्स्टेंट आएगा. अब कुछ आपके पास एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की. सबसे पहले जो आपके पास एप्लीकेशन है वो है ट्रोसलीज थ्योरम. ये बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के ऊपर. ये प्रॉपर एक टॉपिक डिफाइंड है ट्रोसलीज थ्योरम के नाम से. ओके, ट्रोसलीज थ्योरम सिंपली अगर हम देखें तो इसको जो आपके पास इक्वेशन आई है इसकी, आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन की जो इक्वेशन आई है आपके पास, ये इसी के साथ ही मॉडिफाई करके ट्रोसलीज थ्योरम की इसने वैल्यूज फाइंड की हुई है. लेकिन आपके पास सिंपली मैं उसकी इतनी गहराई में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे प्रॉपर से आपको ऊपर से पॉइंट बताने की हमसे एमसीक्यूज किस तरह ड्राइव किए जा सकते हैं. तो वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच वन माइनस एच टू. बिलफर्ज इसकी एग्जाम्पल आप जनरली ले सकते हैं जो आपका वाटर कूलर घरों में इस्तेमाल होता है, जो आप वाटर कूलर इस तरह का इसके यहाँ पे टैप भी लगी होती है ओपनली, उसके साथ आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं. मतलब कि अगर आप इसके एच यहाँ से एक एक हाइट ये होगी और एक हाइट ये होगी तो उसके ऊपर यहाँ पे आपका ट्रोसलीज थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा. तो अगर आप उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं उस फ्लूड की, कि वो किस वेलोसिटी से इस पैनल से एक स्क्रीट आउट हो रहा है, तो ये ट्रोसलीज थ्योरम आपकी डेली लाइफ एग्जाम्पलीफाई में इस तरह से आपको वो मे भी आपके क्वेश्चन में इस तरह अटैप्ट हो सकता है कि वो ट्रोसलीज थ्योरम का नाम भी ना ले और आपसे सिर्फ इतना पूछे कि एक वाटर कूलर में से वाटर एक्सपेल आउट हो रहा है तो आप इसमें से वेलोसिटी फाइंड करके दिखाएं. एक्चुअली हमने ये टॉपिक्स पढ़े होते हैं, वो हमें इस तरह ही थोड़ा सा घुमा फिर आगे थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करने की, तो थोड़ी सी उनकी मतलब कि उनका पैटर्न यही है कि बच्चे को थोड़ा सा आपका ना वो माइंड रीड करते हैं कि आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं. मतलब कि आप इस तरह का क्वेश्चन वहां पर पढ़ेंगे कि एक वाटर कूलर में से वाटर एक्सपेल आउट हो रहा है, आपको जनरली जहन में ये आएगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ कहीं पे भी. लेकिन एट द बैक एंड आपने उसकी एप्लीकेशन, आपको ये बर्नौलीज इक्वेशन ट्रोसलीज थ्योरम में आपने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी हुई है, तो इसके सिंपली आपको फार्मूला याद रखना है कि टू जी H1 वन माइनस एच टू. सिंपली उसकी आपने हाइट्स दी होगी, वो वाटर की आपको हाइट्स देगा कि ये इस वाटर फ्लो, इस वाटर से यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसकी ये हाइट है. टू आपके पास कॉन्स्टेंट है, जी की वैल्यू आपके पास 9.8 कॉन्स्टेंट होगी. तो आपके पास इस तरह वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है कि किस वेलोसिटी से वो एक्सपेल आउट कर रहा है. तो ओके, द स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस एच वन माइनस एच टू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. रिमेंबर दिस पॉइंट, इट विल गो इन द अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी विल अप्लाई ऑन इट, ग्रेविटी अप्लाई हो रही होगी और अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सॉरी, ये ट्रोसलीज थ्योरम इस पे अप्लाई हो रहा होगा. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इसने हाईलाइट भी की हुई है एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट मैं भी कर देता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए आज. वेयर द स्पीड इज हाई, जहां पर आपकी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की हाई होगी द प्रेशर विल बी लो. उस पॉइंट पे आपका प्रेशर जो है, उस पॉइंट पे आपका प्रेशर जो है वो लो होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि उस वो पॉइंट जहां पे आपकी स्पीड हाई होगी है तो उस पे आपका सिंपली जो है आपके जो प्रेशर है वो लो होगा. इसकी आप सिंपली अगर देखें तो आप P इज इक्वल टू एफ ओवर ए से रिलेट आउट करके आप इसको एक रिलेशन निकाल सकते हैं. जैसे F इज इक्वल टू किसके बराबर है, एम ए, एंड ए इज इक्वल टू वी बाई टी. तो इनडायरेक्टली आप इससे भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. मैं उस रिलेशन फाइंड आउट करने की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिंपली इस चीज को आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि ये चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि वेयर द स्पीड इज हाई ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस मूविंग इन द फ्लूइड देयर विल बी लो प्रेशर हैंडलिंग ऑन इट. उस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो लो हो रहा होगा.
जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ पे उसने दी है एक एयरप्लेन की, एक एयरप्लेन मूव कर रहा है तो उसके ऊपर मतलब कि जैसे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उस पर लो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, अगर उस पर प्रेशर लो अप्लाई हो रहा है इट मीन्स डेट उस पर फोर्सेज कम अप्लाई हो रही है, डेट्स वाई वो अपवर्ड मूव करता है। और जब प्रेशर मूव आप कोई भी चीज आपको सामने से जब रिटार्ड कम कर रही है तो आपके लिए ईजी है कि आप अपनी एफिशियंसी बढ़ा के उसकी तरफ मूव कर सकते हैं कि वेयर द स्पीड इज हाई, जहां पर स्पीड आपकी ज्यादा हो जाएगी द प्रेशर विल बी लो, डेफिनेटली उस जगह पे आपका प्रेशर जो है वो लो आउट हो जाएगा। एक्चुअली ये जो चीज निकाली गई है ये यहाँ से ही इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन से निकाली गई है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस चीज को उसने वैसे कॉन्स्टेंट कर दिया और इन दोनों को आपस में उसने रिलेट कर दिया, पी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, मतलब कि इनडायरेक्टली प्रेशर और वो वेलोसिटी जो है वो आपस में रिलेट आउट हो चुकी हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वेंचुरी रिलेशन। एक्चुअली ये भी किसी भी सब्सटेंस की जो आपके पाइप से मतलब कि जो आपकी एक्सक्रीट आउट हो रहा है कोई भी मोशन आउट हो रही है उसमें से आपकी उसकी वेलोसिटी फाइंड करना और उस पर फाइंड करना कि वो कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, कि कितना प्रेशर उस मतलब कि उस टैप में पॉसिबल है, वो टैप है उस पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है या वो उस प्रेशर का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये वेंचुरी रिलेशन का काम है। ये भी उसी की एक एग्जाम्पल है बर्नौली इक्वेशन की। ओके, अब ये सिंपली यहाँ पे इसने वैल्यूज उसकी फाइंड की हुई है स्पेल आउट करके, P1 माइनस P2 अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो ये बराबर होता है हाफ रो वी स्क्वायर के। अच्छा, अब वो डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिवाइस ये वेंचुरी रिलेशन फाइंड करता है उसको हम वेंचुरी मीटर के नाम से जानते हैं। द डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर्स इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके स्पीड फ्लो, इट मीन्स डेट लिक्विड का वो जो फ्लो हो रहा है, जो आपका लिक्विड जिससे वो फ्लो आउट कर रहा है उसकी वैल्यू बड़ी इजिली उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये इस्तेमाल होता है वेंचुरी रिलेशन, जिस वेंचुरी मीटर एडवाइस यूज फॉर द मेजरिंग स्पीड ऑफ द लिक्विड फ्लो, यूज एज टू मेजर फ्लो रेट, आप इसको फ्लो रेट भी कह सकते हैं और इसके अलावा आप इसको दूसरा नाम जो दे सकते हैं वो आप लिक्विड फ्लो का नाम दे सकते हैं कि लिक्विड का फ्लो फाइंड करने के लिए ये चीजें वेंचुरी मीटर जो है वो अप्लाई होता है। अच्छा, अब यहां पे आपसे वो पूछ सकता है, यहां पे आपके पास सिंपली वैल्यू, यहां पे V2 की जो वैल्यू है, ये जो आपके पास वॉल्यूम 2 है वो आपको इनडायरेक्टली यहां से भी रिलेट कर सकता है डेंसिटी के साथ। तो रिमेंबर डैट यहां पे डेंसिटी जो आपकी आ रही होगी ये आपका आइडियल फ्लूड है, ये जो आपको शुरू में मैंने एक पॉइंट बताया है कि आइडियल फ्लूड के लिए आपकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैं पॉसिबल है वो आपसे वेंचुरी रिलेशन में पूछ सकता है कि वेंचुरी रिलेशन में P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, हमें इसका पता चल गया, आप हमें यह बताएं कि उस पॉइंट के ऊपर वो जो वेलोसिटी है किसी सब्सटेंस की या उस फ्लूड की, क्या उस पर वो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी? तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम ये पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बर्नौली इक्वेशन के ऊपर जो भी फ्लूड इस्तेमाल हो रहा है वो आइडियल फ्लूड है, आइडियल फ्लूड है तो वो इनकम्प्रेसिबल है। इफ इट इज इनकम्प्रेसिबल देन इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉलेजफुल टू यू, आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि वो डेंसिटी उसकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। जो लास्ट टॉपिक अब इसके बीच में इस टॉपिक कराया गया है इस चैप्टर का, वो हमारे पास है ब्लड फ्लो। एक्चुअली थोड़ा सा मेडिकल का टॉपिक है ब्लड फ्लो। इसके बीच में जो आपकी सिंपल तो थ्योरी है, इसके बारे में कोई समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जो आपकी बताई गई है ये इसी वेंचुरी रिलेशन से रिलेटेड ही, इसके ऊपर आपकी ज्यादा बात कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन जो आपका मतलब कि ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है वो इसी की एक डिवाइस है, जिसके यहाँ पे उसने एक प्रॉपर डिफाइन भी किया हुआ है कि उस गैनोमीटर के नाम से वो एक डिवाइस है जो आपका ब्लड फ्लो मालूम करती है। उसके बाद यहाँ पे एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका हाई ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट इज लो ब्लड प्रेशर। इनकी कुछ मेडिकल टर्म्स हैं, जो पहली मेडिकल टर्म हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और लो ब्लड प्रेशर के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डाय
सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर की आपको वैल्यू हमेशा याद रखनी है, ये 120 टोर होती है। टोर डेफिनेटली आपके पास एक यूनिट है, किसका यूनिट है आपके पास, आपके पास प्रेशर का यूनिट है। एंड 1 टोर इज इक्वल टू 133 पॉइंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी आई एम गोना राइट इट अगेन, 1 टोर इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हाई सिस्टोलिक प्रेशर पे, हाई सिस्टोलिक प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो है 120 टोर, और डायस्टोलिक प्रेशर पे जो इसकी नॉर्मल हार्ट बीट जो इंसान की होती है, इसके लिहाज से जो आपकी बुक में गिवन वैल्यू है वो है 75-80 टोर। ये आपके लिए दो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तसव्वुर किए जा सकते हैं कि आपसे शायद वो क्वेश्चन पूछ ले इसके बारे में। तो सिंपली अगर वो आपसे यूनिट पूछ ले कि ब्लड फ्लो में आप पूछे कि आपके पास कौन सा यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो आप इसको ये भी टोर का नाम लिया जा सकता है, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। एक्चुअली हम जिसमें डील कर रहे होते हैं वो प्रेशर को डील कर रहे होते हैं, एंड प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट जो इसमें से पूछा जा सकता है कि जो आपकी ये डिवाइस है, सिर्फ गैनोमीटर जो आपकी एक डिवाइस है, ये जो आपके पास डिवाइस है ये क्या करती है, ये जो आपका ब्लड प्रेशर मेजर करती है ये डायनामिकली मेजर करती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मेजर करती है आपका ब्लड प्रेशर ये डायनामिकली मेजर करती है, स्टैटिकली नहीं करती। मैं पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड फ्लो के बीच में जो आपकी इस गैनोमीटर डिवाइस है ये मेजर करती है ब्लड प्रेशर डैश, आपके जैसे ऑप्शन दी जाती हैं सिस्टमैटिकली डायनामिकली, और आपके साथ दूसरी ऑप्शंस भी दी जाती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो रिमेंबर दैट दिस वाज डायनामिकली, ये जो आपका गैनोमीटर डिवाइस है ये ब्लड प्रेशर का फ्लो जो आपको मेजर करती है डायनामिकली मेजर करती है। ये टॉपिक जो मैंने भी आपको पढ़ाया, पूरा चैप्टर मैंने आपको फ्लूइड डायनामिक्स उसको प्रॉपर तरीके से मैंने जो आपको आपको समराइज किया इस चैप्टर को, इससे आपकी जो तैयारी होगी राउंड अबाउट 35-40% होगी जो मैंने जिस तरह को बताया। लेकिन इसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके साथ अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो वी गोना थिंक डैट कि आप इसकी जो है आपकी तैयारी 90% अबव होगी। तो उसके लिए आपके पास हम एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको चाहिए कि इन एमसीक्यूज को प्रॉपरली अटेम्प्ट करें और आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप मतलब कि पेपर में जिस तरह ईकैड में अटेम्प्ट हो रहे होंगे या जो भी कोई टेस्ट आप जिसमें आप अटेम्प्ट होंगे तो वो आपके लिए बेहतरी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये अभी आपका चैप्टर खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच।